शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली पोहरी बस स्टैंड के पीछे मनियर में सरकारी आवास में गला रेत कर युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसकी विवेचना पुलिस ने शुरू कर दी। आज शिवपुरी पुलिस ने कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता कर इस अंधे कथ का पर्दाफाश किया है। जानकारी के अनुसार मृतक की पत्नी कमलेश जाटव ने पुलिस को शिकायत की थी कि उसके पति के शासकीय आवास पर गला रेत कर हत्या कर दी गई है। उस समय माता के झांके देखने वो गई हुई थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचे। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल भी मौके पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सभी साक्ष्य जुटाए और कोतवाली पुलिस को निर्देशित किया कि जल्द ही अधिकृत का पर्दाफाश किया जाए। जिसके बाद मृतक की पत्नी के मित्र सोनू पठान पुत्र सलीम पठान निवासी कमलागंज ने पुलिस को एक वीडियो उपलब्ध कराई, जिसमें दो संदिग्ध लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसकी उसने वीडियो बना ली थी। संभवतः उन्होंने हत्या की है। जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने दोनों युवकों को राउंड अप किया और उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि मृतक की पत्नी कमलेश जाटव और सोनू पठान को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद दोनों दोस्तों ने सोनू पठान से बात करना बंद कर दी, जिसके बाद सोनू पठान और मृतक की पत्नी ने हत्या की साजिश रची और गला रेत कर हत्या कर दी, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त कार्रवाई में कोतवाली TI सुनील खेमरिया, SI अरविंद झारी, SI सुमित शर्मा, ASI सुल्तान सिंह सहित कई लोग शामिल रहे। ये 30 तारीख को थाना कोतवाली क्षेत्र में पोहरी बस स्टैंड के पास से मनियर रोड पड़ता है, वहाँ पे एक शासकीय बिल्डिंग अबैंडन टाइप पड़ी हुई है, तो उसमें ये मृतक राकेश जाटव अपने परिवार के साथ में रहता था। 30 तारीख को 9:30 बजे के आसपास उसकी पत्नी ने बताया था कि जब वो घर पहुँची है तो उसका गला किसी ने काट दिया था, उसके पति का वो मरा पड़ा है, और उसमें शुरू में बताया था कि दो लोग हैं, दो लोग एकदम धक्का दे के निकले हैं। पुलिस के द्वारा इस बात को देखा गया, मौके को देखा गया, इनसे लगातार बातचीत की गई। जब पोस्टमार्टम हुआ, हमने 300 का केस रजिस्टर्ड किया और उसमें लगातार इनकी एक्टिविटीज पे वॉच करते रहे। एक हमको एक वीडियो फुटेज भी किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया कि दो लड़के उसके घटना के आसपास देखे गए थे, उनको भी देखा गया, आसपास से लोगों से पता किया, तो उसमें पूरी घटनाक्रम ये आया कि फरियादिया लगातार अलग अलग बातें कर रही है, झूठ बोल रही है, और उसकी बातें जो है तस्दीक नहीं हुई, जो उसके बहुत सारे एंगल्स पे आए, कभी दो, कभी तीन, कभी एक, ऐसा भी उसके द्वारा बताया गया। और फाइनली इसमें उसका पाया गया कि उसके एक साथ एक उसका मित्र था, जिसके साथ उसके अवैध संबंध थे, और उनके चलते जो व्यक्ति दो लोगों के फुटेज दिए थे वो भी उसी के मित्र ने बनाया था, और वो मित्र के जब ये लोगों का कुछ इस तरह का फुटेज वगैरह बनाने के लिए उनको लगा कि ये लोग आए हुए हैं, और उसके बाद में घटनाक्रम हुआ जिसमें अवैध संबंधों के चलते उनको लगा कि पति जो है इस बात में ऑब्जेक्शन करता है, उसको पता लग गया है, तो ये गला काट दिया गया और इसमें संदेह डालने के लिए दोनों का फुटेज दिया गया। इसमें दो आरोपी पकड़ाए, आरोपी की मृतक की पत्नी है और उसका मित्र है, और दोनों को गिरफ्तार किया गया है, आज के कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और गला किसने काटा, उसके मित्र ने या पत्नी ने? मित्र ने काटा है ऐसा उसका बताना है, उनके कपड़ों पे कुछ ब्लड के निशान भी दिख रहे हैं, उसको फसल के लिए भी भेज रहे हैं परीक्षण वगैरह के लिए, और पूरी कहानी में फिर फाइनली यही बात उनके द्वारा एक्सेप्ट भी की। एक बका मिला है इनके पास में जो